बुरी तरह पिटी शिल्पा शेट्टी की निकम्मा 98% शोज हुए कैंसिल तो आईएमडीबी ने दी सिर्फ इतनी रेटिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इस शुक्रवार रिलीज हुई निकम्मा का तो सिनेमाघरों में ही दम निकल गया। शिल्पा की ये फिल्म बुरी तरह से पिटती नजर आ रही है। रिपोर्ट है की निकम्मा के 98% शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। बुरी तरह पिटी शिल्पा शेट्टी की निकम्मा 98% शोज हुए कैंसिल तो आईएमडीबी ने दी सिर्फ इतनी रेटिंग। शिल्पा शेट्टी ने काफी समय बाद पर्दे पर वापसी की है। उनकी पिछली फिल्म हंगामा 2 कुछ खास नहीं रही और इस शुक्रवार को रिलीज हुई निकम्मा का तो सिनेमाघरों में ही दम निकल गया। शिल्पा की ये फिल्म बुरी तरह से पिटती नजर आ रही है। रिपोर्ट है की निकम्मा के 98% शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। इस फिल्म ने जहां पूरे देश में पहले दिन मात्र 51 लाख रुपए कमाए थे, वहीं शनिवार और रविवार को भी सिनेमा हॉल दर्शकों के लिए तरसते नजर आए। 17 जून को शिल्पा शेट्टी, अभिमन्यु दासानी और शर्ली सेतिया की फिल्म निकम्मा देश भर में 1250 स्क्रीन पर रिलीज हुई। ये फिल्म साल 2017 में आई तेलुगु फिल्म मिडिल क्लास का हिंदी रीमेक है, पर दर्शकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। 51 लाख से खाता खोलने वाली निकम्मा की कमाई में शनिवार को कुछ उछाल आया और फिल्म ने 70 लाख की कमाई की। इन दोनों को मिला दें तो फिल्म 2 दिनों में बस 1.2 करोड़ कमाने में ही सफल हो पाई। शिल्पा शेट्टी की इस फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म के पहले दिन 80% शोज कैंसिल हुए थे तो वहीं दूसरे दिन तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए और दर्शकों की कम संख्या को देखते हुए फिल्म के 98% शोज कैंसिल कर दिए गए। फिल्म की इतनी बुरी गति के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। दूसरी तरफ फिल्मों की रेटिंग करने वाले आईएमडीबी ने भी इसे कुछ खास तवज्जो नहीं दिया। निकम्मा की रेटिंग भी कुछ खास नहीं है। निकम्मा की आईएमडीबी रेटिंग 1.6 है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशक शब्बीर खान ने किया है। फिलहाल तो कार्तिक आर्यन ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है। उनकी भूल भुलैया 2 का जलवा अभी भी कायम है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।